एक्टर शाहरुख खान जल्द ही जीरो के बाद अपनी नई फिल्म सल्यूट पर काम करने वाले हैं। इस फिल्म को लेकर काफी दिनों से खबरों का बाजार गर्म है। कभी ये फिल्म अपनी हीरोइन को लेकर खबरों में छाई रहती है तो कभी किसी और वजह से। वहीं अब इस फिल्म को लेकर ऐसी खबर सामने आई है जिसे जानने के बाद शाहरुख के फैंस को तगड़ा झटका लग सकता है। दरअसल बॉलीवुड के गलियारों में ऐसा कहा जा रहा है कि आमिर ने शाहरुख को चूना लगाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे, तो चलिए हम बताते हैं आपको। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आमिर खान जल्द ही करण जौहर की फिल्म में काम कर सकते हैं। इस फिल्म में आमिर आध्यात्मिक गुरु ओशो के रोल में दिखाई दे सकते हैं। अब हैरान करने वाली बात तो ये है कि आमिर ने शाहरुख को ये बोलकर सल्यूट से एग्जिट मारी थी कि वो अब अपने ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत पर काम करेंगे, जिसकी वजह से आमिर ने सल्यूट के लिए शाहरुख को मना लिया। वहीं अब खबरें आ रही हैं कि आमिर ने जिस महाभारत के प्रोजेक्ट के लिए सल्यूट से करनी काटी थी वो खुद ही फिलहाल होल्ड पर चली गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि आमिर सल्यूट की स्क्रिप्ट से राजी नहीं थे। वो स्क्रिप्ट में चेंजेस करना चाहते थे लेकिन मेकर्स नहीं माने, जिसके बाद आमिर ने फिल्म छोड़ दी और शाहरुख को दिलवा दी। वैसे भी कुछ सालों से शाहरुख की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही है। ऐसे में आमिर ने उन्हें एक बेकार स्क्रिप्ट थमा दी है, जिसके बाद अब ऐसा माना जा रहा है कि आमिर ने शाहरुख को चूना लगा दिया है। वैसे आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।